सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल को और आने वाले सभी स्कॉलरशिप्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबाना मत। स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे कैसे आप नागालैंड स्कॉलरशिप को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने हैं, कितना अमाउंट मिलेगा और क्या इसका एक्यूरेट प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड तक। और जो चलते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है scholarshipslive.com पर। द समाज कल्याण विभाग गवर्नमेंट ने ऑफ नागालैंड ने अभी अभी एक्टिवेट किए हैं नागालैंड स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके। जो यहाँ पर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ सर्टिफिकेट एंड स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल, लास्ट ईयर मार्कशीट और डोमोसाइल। और अगर हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इससे और मोर इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कैंडिडेट्स की इनकम्स एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2 लाख पर एनम, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सफिशेंट मनी प्रोवाइड करेगा नागालैंड गवर्नमेंट। एंड उसको फाइनली हम बताएंगे कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। एस्पिरेंट्स फर्स्ट विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो है www.nagaland.government.in। उसके बाद उसके ऑफिशियल लिंक को आपको फाइंड करना है, फिर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उसको केयरफुली रीड करना है, फिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और अपलोड करना है विन आस्किंग डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा देना है और फिर उसका प्रिंट आउट लेना है नेक्स्ट प्रोसेसर के लिए। तो दोस्तों, हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराया है, वहाँ से आप इसकी मोर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर लें और लाइक कर लें। थैंक यू।